हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसी लाइनअप। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेजर की तरफ से आने वाले नए लैपटॉप जो इस साल लॉन्च हो चुका है, रेजर न्यू ब्लेड प्रो 70। ठीक है, इस लैपटॉप ने इस साल सबसे ज़्यादा फोकस किया है गेमिंग पे। इसलिए फोकस किया क्योंकि इस साल की जो बढ़ती कम्युनिटी है हमारी, वो गेमिंग की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रेजर ब्लेड ने भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। मेन जो फोकस किया है वो गेमिंग पे, प्राइस बहुत ज़्यादा है, और जो ये लैपटॉप आता है इंटेल की 10th जनरेशन i7 10th जनरेशन का आता है, साथ में डेडिकेटेड जीपीयू के साथ। तो हम प्राइस से लेकर हर सीपीयू, जीपीयू, रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले, बाकी और भी चीज़ें, स्पेक्स की सारे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस जो है वो $2600 से स्टार्ट होता है, $3800 तक तो जाती है प्राइस। आई नो इट्स वेरी कॉस्टली, पर आपको अगर ऐसा लैपटॉप चाहिए तो मतलब इतना प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो बात करें इसके सीपीयू की, तो इंटेल i7 10th जनरेशन के साथ आता है, जो पहला मॉडल है 2600 वाला। जीपीयू की बात करें तो एनवीडिया का जीफोर्स RTX 2070 मैक्स क्यू ग्राफिक्स कार्ड है इसके। रैम की बात करें तो 16 GB का आपको DDR4 रैम मिलता है। स्टोरेज आपको जो मिलती है वो SSD मिलती है 512 GB PCI। डिस्प्ले की बात करें तो 17.3 इंच 1920x1080 की डिस्प्ले है, वो भी 300 Hz की। काफ़ी रिफ्रेश रेट बढ़ा दिया इसका, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये ज़्यादा फोकस इन्होंने गेमिंग पे किया है। ठीक है, वायरलेस की बात करें तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास जो Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0। ठीक है, बैटरी की बात करें तो 70.5 Wh की बैटरी है। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरे मॉडल की, जो कि है $3200 का। ये सारे जो लैपटॉप्स हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, अफोर्डेबल नहीं है। हम इंडियन की बात करें तो हम तो सिर्फ एप्पल पे ही रुक जाते हैं, ठीक है, लेकिन रेजर जो रेजर ब्लेड है, ब्लेड प्रो है, वो लोग मतलब बाहर के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ के लोग भी पता नहीं मुझे खरीदते हैं या नहीं खरीदते, पर ये बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं। इसकी जो भी डिवाइसेस आती है वो काफ़ी डिजाइनिंग और काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो सेकेंड मॉडल की बात करें तो वो भी इंटेल कोर i7 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, उसमें सेम प्रोसेसर है, पर इसमें जो आपको अपग्रेड मिलेगा वो एनवीडिया का जीफोर्स RTX 2080 सुपर मैक्स क्यू ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर, सबसे हाई एंड का ग्राफिक्स कार्ड है, और 16 GB की DDR4 रैम है, अगेन 512 GB की PCIe NVMe SSD है, डिस्प्ले सेम है और डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी भी सेम है 300 Hz की। ठीक है, और वाईफाई मॉडल या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सब सेम है, सेम बैटरी है, सिर्फ चेंजेस ये है कि आपको इसके अंदर 2080 का सुपर मैक्स क्यू मिलेगा। 3800 वाली अगर लैपटॉप की बात करें तो ये इंटेल कोर i7 10th जनरेशन, सेम प्रोसेसर पर डिफरेंट, अगेन इसमें आपको मिलता है एनविडिया जी फोर्स RTX 2080 सुपर मैक्स क्यू। सेम जो भी 3200 वाला जो लैपटॉप था और 3800 वाला जो लैपटॉप है, दोनों की स्पेक्स सेम है, यहाँ तक रैम भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा इसके अंदर स्टोरेज में। स्टोरेज इन्होंने बढ़ा दिए, 1 TB PCIe NVMe SSD डाल दिया मैंने। ठीक है, जो दोनों वेरिएंट है उनमें आपको ग्राफिक्स कार्ड का चेंज दिखेगा, जीपीयू का, लेकिन अगर आप सबसे हाई एंड वाले पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का चेंज दिखेगा, जो कि सबसे हाई एंड का ग्राफिक्स कार्ड है 2080 सुपर मैक्स क्यू, और आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे 4K की डिस्प्ले 120 Hz पे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले जो डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी रेट है वो घटा दी है, बाकियों में दोनों में 300 Hz की डिस्प्ले है, लेकिन इसमें 120 Hz की डिस्प्ले है। ठीक है, और बाकी बैटरी जो बैटरी बैकअप है तीनों में सेम है, 70.5 Wh की बैटरी है तीनों में। डिजाइन की बात करें तो डिजाइन काफ़ी लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ है। ठीक है, नो डाउट आप रेजर ब्लेड का मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि वो मैट ब्लैक की जो फिनिशिंग और वो ग्रीन कलर का जो कम्बिनेशन देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छा लगता है हमें। ठीक है, और जो उन्होंने जो RGB कीबोर्ड आता है इनका, वो भी काफ़ी अच्छा होता है अगर आप उसको अगर ग्रीन लाइटनिंग के साथ उसको रन करें तो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, बेस्ट लैपटॉप 50,000 या फिर वो अफोर्डेबल लैपटॉप जिसको आप इजिली 50 या 40,000 के अंदर अफोर्ड कर सकते हो, तो जाके लिंक को डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और वो देख सकते हैं अमेजोन पे जितने भी लैपटॉप जो अभी सस्ते हुए हैं या फिर जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।